मेंबर्स, हमारे हेल्थी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों के जो सिर में दर्द होता है वो सही हो जाएगा। आइए आप लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं। उस जड़ी बूटी का आप लोगों को लाइव दिखाते हैं किस तरह से होती है, आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से ये जड़ी बूटी है, आप लोग देख सकते हो। इसका नाम तीन पत्ती से भी नाम से जाना जाती है और खट्टी मीठी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसका उपयोग आप लोग किस तरह से करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं वो बताते हैं इसमें। इसका उपयोग आप लोग सिर दर्द में कर सकते हैं, जिसका सिर दर्द बहुत करता हो आप लोग इसका उपयोग सुबह आप लोग खाली पेट इसका पत्ती को आप चबा चबा कर खा भी सकते हैं और काढ़ा भी बना सकते हैं। आप लोग इसका उपयोग करें, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये तीन पत्ती के नाम से भी जानी जाती है और खट्टी मीठी के नाम से भी जानी जाती है। और आप लोग इसका जिसको खट्टी मीठी डकारे भी आती हो उसको आप लोग इसका उसको भी इस औषध को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के जो खट्टी मीठी की डकारे आ रही वो भी सही हो जाएंगी और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। आप लोग इसका उपयोग करने से आप लोगों के जो पेट में जो जलन होती है वो भी सही हो जाएगी और अच्छा से आप लोगों का पेट, आप लोगों का पाचन क्रिया शक्तिशाली हो जाएगी। और आप लोग इसका उपयोग नियमित करें सुबह खाली पेट, जिससे कि आप लोगों की जो सिर दर्द की प्रॉब्लम और पेट में जो गैस की प्रॉब्लम वो भी सही हो जाएगी। और इसका नियमित 2 से 3 मंथ यूज करें सुबह खाली पेट, जिससे कि आप लोगों के शरीर में जो शरीर की कमजोरी को भी ये दूर करेगा और अच्छा स्वास्थ्य आप लोगों का हो जाएगा और सिर दर्द की प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरह आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका खाने में स्वाद है। आप लोग इसका खा के टेस्ट आप लोगों को खट्टी मीठी लगती है, आप लोग अच्छे से इसे खा भी सकते हो और आप लोग इसको देख भी सकते हो। इस तरह से ये पत्ती हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।